एलिमेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल एंगल्स एंड रीजन। हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रिलैटरल यानी कि चतुर्भुज के तत्वों के बारे में जानेंगे, विशेषतः क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स यानी कि कोण और क्षेत्र के बारे में। एक क्वाड्रिलैटरल के चार शीर्ष या वर्टिसेस ए बी सी डी हैं। क्वाड्रिलैटरल फोर लाइन सेगमेंट्स या रेखाखंड से बने होते हैं। यहां पर ए बी बी सी सी डी और डी ए फोर लाइन सेगमेंट्स हैं। एक क्वाड्रिलैटरल में चार एंगल्स या कोण होते हैं। देखिए, ये रहा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल ए और एंगल बी एक ही कॉमन आर्म या भुजा ए बी पर स्थित हैं, इसलिए एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन्न कोण हैं। एंगल बी और एंगल सी की एक कॉमन आर्म बी सी है, इसलिए एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स हैं जो एक कॉमन आर्म सी डी पर स्थित हैं, और एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कॉमन आर्म ए डी पर स्थित हैं। ध्यान से देखिए, एंगल ए और एंगल सी की कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। एंगल ए आर्म ए बी या ए डी का हिस्सा है, वहीं एंगल सी आर्म बी सी या सी डी का हिस्सा है, इसलिए एंगल ए और एंगल सी सम्मुख कोण यानी कि ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल बी और एंगल डी की भी कोई कॉमन आर्म नहीं है, इसलिए एंगल बी और एंगल डी ऑपोजिट एंगल्स हैं। क्वाड्रिलैटरल की परिसीमा यानी कि बाउंड्री के अंदर स्थित रीजन या क्षेत्र को क्वाड्रिलैटरल का अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर रीजन कहते हैं। क्वाड्रिलैटरल की बाउंड्री के बाहर के भाग को क्वाड्रिलैटरल का बहिर्भाग यानी कि एक्सटीरियर रीजन कहते हैं। क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर रीजन और उसकी बाउंड्री को मिलाकर क्वाड्रिलैटरल रीजन या क्वाड्रिलैटरल क्षेत्र कहते हैं। चलिए हम एम एन और ओ की स्थिति जानते हैं। यहां पॉइंट एन क्वाड्रिलैटरल के अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर में है और पॉइंट एम क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी के बाहिर्भाग यानी कि एक्सटीरियर में स्थित है और पॉइंट ओ क्वाड्रिलैटरल की बाउंड्री पर स्थित है। यहां पर दो पॉइंट्स क्वाड्रिलैटरल के अभ्यंतर या इंटीरियर भाग में स्थित है, पॉइंट एन और पॉइंट ओ। अब क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर में मौजूद इन पॉइंट्स एन और ओ को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ते हैं। क्या लाइन सेगमेंट पूरी तरह से क्वाड्रिलैटरल के अंदर ही रहेगा? हाँ, लेकिन क्या सभी तरह के क्वाड्रिलैटरल्स में ऐसा संभव है? चलिए देखते हैं। यहां पर आरएसटीयू भी एक क्वाड्रिलैटरल है। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दो पॉइंट्स हैं जो क्वाड्रिलैटरल आरएसटीयू के भीतरी भाग में मौजूद हैं। चलिए अब हम इन दोनों पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से जोड़ते हैं। क्या ये लाइन सेगमेंट पूरी तरह से क्वाड्रिलैटरल के अंदर ही हैं? नहीं, जब कोई लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर में स्थित दो पॉइंट्स को जोड़ता है और पूरी तरह से क्वाड्रिलैटरल के अंदर ही रहता है, तब इस क्वाड्रिलैटरल को कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। जब कोई लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर में स्थित दो पॉइंट्स को जोड़ता है लेकिन पूरी तरह से क्वाड्रिलैटरल के अंदर नहीं रहता है, तब इस क्वाड्रिलैटरल को कनकेव क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में क्या सीखा है? आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स में एक कॉमन आर्म होती है। उदाहरण के लिए पी और क्यू क्वाड्रिलैटरल में एडजेसेंट एंगल्स की चार जोड़ियां होती हैं। सम्मुख कोण यानी कि ऑपोजिट एंगल्स में कॉमन आर्म नहीं होती है। उदाहरण के लिए एंगल पी और एंगल आर, इनमें ऑपोजिट एंगल्स की दो जोड़ियां हैं। पॉइंट एम क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस के अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर में स्थित है। पॉइंट एन क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस के बहिर्भाग यानी कि एक्सटीरियर में स्थित है। पॉइंट ओ क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस पर स्थित है। ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल के अंदर स्थित टू पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट पूरी तरह से क्वाड्रिलैटरल के अंदर ही रहता है। ये कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल है, इसमें क्वाड्रिलैटरल के अंदर स्थित दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट पूरी तरह से क्वाड्रिलैटरल के अंदर नहीं रहता है,
अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।